हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके साथ एक और टिफ़िन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। घर में मिलने वाले सामान से आसानी से बनकर तैयार हो जाती है ये टिफ़िन रेसिपी। बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप गेहूँ का आटा, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। बॉयल्ड आलू लिए हैं जिनको कि मैश कर लिया है। दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने चाट मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका एक हम डो बनाएंगे। पानी हमने इसमें अलग से ऐड नहीं करना है, क्योंकि आलू का अपना मॉइस्चर है, उसी में हमने इसको अच्छे से गूंथ लेना है। अब इस डो में से एक छोटा सा पोर्शन लेके हम इसको शेप देंगे। तो आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, बच्चों की पसंद की और भी कोई शेप आप इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह की शेप बनाई है। इस तरह के सारे ट्राइंगल शेप में मैंने ये कटलेट बना लिए हैं। अब यहाँ पर एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो सारे कटलेट हम इसमें डाल देंगे। सारे कटलेट आराम से डालने हैं, हमने तेल को अच्छा गरम करना है। और उसके बाद जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसकी जो फ्लेम है वो हमने मीडियम कर लेनी है। मीडियम हीट पे हमने इनको फ्राई करना है, जिससे अंदर तक ये अच्छे से कुक हो जाएं और बाहर से अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। एकदम फ्लेम को जो है हाई ना रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बाहर से एकदम गोल्डन ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन अंदर तक पकेंगे नहीं। तो हमने इनको आराम से फ्राई करना है। अब ये एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, इनको हम पलट लेंगे सभी को आराम आराम से, और दूसरी तरफ से भी हम इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, एक अच्छा सा कलर आ गया है दोनों तरफ। आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।